केवल बुक्स पढ़े, देख कैसे पढ़ना है तेरे को। अभी पॉलिटिकल चल रही है, आप जहां से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो और आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, मान लो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो हमारी रुचि पैदा नहीं हुई है अभी तक, आप नए बंदे हो। तो जैसे आप पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, तो जैसे आज मैंने राज्यपाल पढ़ाया है, तो सबसे पहले राज्यपाल आप जिससे भी, जिस भी गुरुजी से या जिस भी ऑनलाइन से, जिस भी कोचिंग से, भले ही राज्यपाल टॉपिक हो, भले नदियां टॉपिक हो, भले झीलें टॉपिक हो, सबसे पहले तो गुरुजी ने पढ़ाया वो। यानी आज मैंने राज्यपाल के नोट्स बनाए हैं, इन नोट्सों को बढ़िया तरीके से आप बनाना, आपको कोई किताब नहीं छेड़नी है जब तक राज्यपाल कंप्लीट ना हो। राज्यपाल के नोट्स बन गए, पूरा राज्यपाल कंप्लीट हो गया, आपको राज्यपाल याद हो गया बढ़िया तरीके से एकदम, कि गुरुजी माने जो को करायो, मैं जितो करायो बितो थे, A to Z याद कर लियो। अब सिर्फ एक किताब, कुछ नहीं करना है, कोई अन्य अन्य किताबों में नहीं फंसना है, सिर्फ एक किताब। उस एक किताब में आप राज्यपाल खोलो, आपके पास जो भी कोई गाइड है, कोई भी किताब है, बुक्स है, तो उसमें आप राज्यपाल निकालो। अब उसमें पढ़ो, नोट्स तो बना लिया आपने पहले, पढ़ो। पढ़ते समय डॉट पास में रखो, पेन पास में रखो, कोई नई चीज आई, क्योंकि आपने राज्यपाल पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो नई चीज आते ही आपका दिमाग स्वतः ही कहेगा, कर भैडा अब बात तो अपन चारण बताई को नहीं, आ नई बात है, उसको हेडिंग कर लो। हेडिंग करने के बाद में, और जहां आपको जरूरत लगे कि ये बात यहां आनी चाहिए या लास्ट में आनी चाहिए, वहां पर वो बात लिख दो। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना सिलेक्शन के लिए, बस इतना ही करो। जिस भी गुरुजी से पढ़ रहे हो, पहले उनके पूरी तरीके से याद करो, फिर आपके पास सिर्फ एक किताब, उस किताब में कोई चीज बच गई वो नोट्सों में डाल दो, यानी हर पेज के बाद में जगह छोड़ दो, बाकी कुछ भी मत पढ़ना, बस इतना पर्याप्त है सिलेक्शन के लिए। ठीक है?